السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز حاضرين عام لوگوں میں غلط فهمي پائی कि अल्लाह ताला ने जब किसी को मालदार बनाया हो या किसी को कुछ पैसा दिया हो या कुछ माल से नवाजा हो तो ये समझा जाता है कि अगर वो पैसा अपने घर से हट के दूसरी जगह पर लगे तभी वजर सवाब का बायस बनता है और बहुत से लोग अपने घर पर पैसा खर्च करने में हरज महसूस करते हैं चाहते हैं कि उनका पैसा मदरसों में लगे उनका पैसा अल्लाह के रास्ते में लगे उनका पैसा दीन की खिदमत में लगे उनका पैसा दूसरों के काम में आए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह आपका पैसा अल्लाह के रास्ते में लगे अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए लगे आपके पैसे से कोई मस्जिद बन जाए आपके पैसे से गरीब पल जाएँ बड़ी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन वहीं पर यह गलतफहमी पालना कि अपने घर पर अपने बीवी बच्चों पर जो पैसा ख़र्च किया जाता है वो कोई अच्छी बात नहीं है ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है ये एक बहुत बड़ी गलत फ़हमी है सही मुस्लिम की रिवायत है अबू अल्लाह वुरील्ल रिवायत करते हुए कहते हैं कि नबी करीमत ने फरमाया कि एक दीनार वो होता है जो बंदा जो तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करोगे एक और दीनार वो होता है जो तुम किसी आ, कैदी को किसी गुलाम को आज़ाद करने पे लगाओगे एक और दीनार वो होता है जो तुम किसी मिसकिन को खिलाने पे खर्च करोगे और एक और दीनार वो है जो तुम अपने बीवी बच्चों पे खर्च करोगे नबी करीम वसलाम ने फरमाया, फरमायाजर इन सब में जो पैसा आपने अल्लाह के रास्ते में लगाया जो पैसा आपने किसी को आज़ाद करने में लगाया जो पैसा आपने किसी की मस्कनत को फ़कीरी को दूर करने के लिए भूख मिटाने के लिए लगाया और जो पैसा आपने अपने घर वालों के लिए लगाया लगायान इन सब में सबसे ज्यादा अजर षवाब का बायस कौन सा दीनार होगा अनफक्त अलाक वो दीनार जो तुमने अपने घर वालों पर खर्च किया होगा ये सबसे ज्यादा अजर षवाब वाला है ये सबसे ज्यादा अजर वाला है तो मजदस हाजरीन हदीस हमें यह बताती है कि हम अपने घर वालों पर खर्च करने में वकीली ना करें हम अपने घर वालों पर खर्च करने में किसी गलत फ़हमी का शिकार ना हो बल्कि नबी करीम वसलाम से सादबनबी वक़ाफ़ी तुम्हें एक बड़ी लंबी हदीस है जिसको बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है कहते हैं नबी करीम सलाम ने फरमाया फ़तन तब तकी बिहा उजर तबिहा मताली फिर तुम जो भी खर्च करोगे अल्लाह के स्वब की उम्मीद रखते हुए जो भी तुम खर्च करोगे उसका तुम्हें अजर मिलेगा उसका तुम्हें सवाब मिलेगा यहाँ तक कि जो लुमा तुम उठा करके अपनी बीवी को खिलाओगे जो भी बीवी पर खर्च करोगे एक लुकमा ही सही उसका भी अल्लाह तुम्हें अजर देगा उसका भी अल्लाह तुम्हें सवाब देगा तो मजदूर अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना ये भी कार्य सवाब है। अपनी बीवी को कोई चीज़ दिला देना उनके कपड़ों का ख्याल रखना अपने बीवी बच्चों के खाने पीने का ख्याल रखना घर की सहूलतों का ख्याल रखना घर की जरूरी बातों का ख्याल रखना ये यकीन तमाम की तमाम चीज़ें अजर सवाब का बायस बनती हैं एक मरतबा नबी करीम इसत तो वसलाम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे इसरे में एक आदमी गुजरा जो बड़ा ही तंदुरुस्त बड़ा ही हट्टा कट्टा बड़ा ही लहिम शहीम नौजवान था साहबा ने जब उसे देखा तो कहा कि काश ये नौजवानी ये सेहत तो व तंदरुस्ती अल्लाह के रास्ते में लगे ये नौजवानी अल्लाह के रास्ते में खर्च हो तो नबी करीम तो असलाम ने फरमाया कि तुम्हें क्या पता हो सकता है कि वो जाकर के अपनी बीवी बच्चों के लिए कमा रहा हो बीवी बच्चों के लिए अपनी मेहनतें सर्फ कर रहा हो तो उसका वो करना भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद के बराबर है उसका वो करना भी अल्लाह के रास्ते में शुमार होगा तो इसी ये पता चला कि जो अपनी बीवी बच्चों के लिए भी खर्च करें अल्लाह ताला तजर सवाब उन्हें देता है उसका अजर सवाब उन्हें मिलता है माजाजी आप बीवी बच्चों को खिलाएं पिलाएं उनको बेनयाज कर दें कि वो दूसरों के सामने मोहताज ना बने मांगने वाले ना बने ये बड़ी अच्छी बात है अपने बीवी बच्चों को आप कोई नफा पहुंचाएं ये बड़ी अच्छी बात है आप अपने बीवी बच्चों को ऐसे बनाएं कि वो खुददार बने रहें यह बड़ी अच्छी बात है तो मजहरीन कभी आप अपने बीवी बच्चों पर खर्च करने से पीछे ना हटें लेकिन एक बात याद रखें कि जरूरतें कुछ और होती हैं हाजतें कुछ होती हैं तहसीनात कुछ होती हैं तो जहाँ पर आप अपने बीवी बच्चों पर ख़र्च करें इसराफ़ से ख़ा मखा के खर्च ज़रूर परहेज़ करें कदात सिखाएं अपने बीवी बच्चों को और इस बात की तालीम दें कि वो दुनिया से कम लें और इस बात की तालीम दें कि नबी करीम सरात वसलाम की इस मसले में इतबा और पैरवी करें तो इसका ख़ास तौर पर आपको ख्याल रखना चाहिए जैसे कह जा, कहा जाता है कि खैरम अवसत हुआ कि सबसे बेहतर मामला ये होता है कि बंदा दरमिया राह चले ना बहुत ज़्यादा बकीली से

क्या खर्च करना चाहिए कहाँ खर्च करना चाहिए कैसे खर्च करना चाहिए आप कह दीजिए कि जो भी तुम खैर में खर्च करोगे अपने वालिदैन के लिए हो अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए हो फिर अल्लाह ने तफसील बयान की तो सबसे पहले अल्लाह ने यहाँ पे जिक्र किस बात का किया वालिदैन का फिर अक्रबीन का अक्रबीन में बीवी आती है बच्चे आते हैं ये तमाम इसमें आते हैं तो इस एतबार से अपने घर पर खर्च करते हुए भी अल्लाह से स्वब की उम्मीद रखें अपने घर पर खर्च करते हुए भी अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखें अल्लाह ताला आपके इन तमाम खर्चों को आपके हक में सदक़ात की शक्ल में लिख देते हैं ये तमाम आपके हक में सदकात शुमार होंगे अगरचे कि आप पैसा बहुत आपके पास हो और आपका इंतकाल वक्त अल्लाह से महफूज रख के करीब हो

कि वो बेनयाज रहें, ये बेहतर है इसके मुकाबले में कि तुम अपनी औलाद को ऐसी हालत में छोड़ के जाओ कि फकीर हो मोहताज हो लोगों के सामने उनको हाथ फैलाने की नौबत आए ऐसी नौबत से बेहतर है कि तुम कुछ छोड़ के अपने बच्चों के लिए मरो अगर आप कुछ छोड़ के भी जाते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी को अपने वाले अपने बच्चों के नाम पे कुछ रह भी जाती है बीवी के नाम पे रह भी जाती है तो वो भी आपके हक़ हाँ में सदका ही शुमार होगी वो भी आपके हक़ हाँ में खैर ही शुमार होगी तो मज़े सजरीन अपने बीवी बच्चों पर खर्च करते हुए अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखें एहतसाब के साथ खर्च करें अजर सवाब की उम्मीद के साथ खर्च करें अल्लाह ताल से दुआ है कि जो भी हम अल्लाह ताली के लिए खर्च करते हों उसका बेहतर से बेहतर بدل الله تعالى نسيف فرماي امين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته